आप देख रहे हैं हिंदी खबर, आपके साथ मैं हूं वनराज रोही। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को लेकर सियासत गर्मा गई है। सरगुजा में स्थित हसदेव अरण्य को बचाने के लिए 3 महीने से स्थानीय आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने खदानों के विस्तार को मंजूरी दी है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। धरना प्रदर्शन में पहुंचे टीएस सिंह देव ने आंदोलनकारियों का समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी भी सरकार पर हमलावर है। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि हसदेव के जंगलों में कटाई फैसले पर सियासत गर्माई। छत्तीसगढ़ के हसदेव में ग्रामीण खदानों के विस्तार के लिए पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल कोल विस्तार के लिए केंद्र सरकार अनुमति देती है, फिर राज्य सरकार की इजाजत के बाद उस पर काम शुरू होता है, जिसके विरोध में आदिवासी 96 दिनों से धरना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल विस्तार को मंजूरी दी। परसा ईस्ट और केते बासेन कोल ब्लॉक का होगा विस्तार। जंगलों को काट कर खदानों का विस्तार किया जाएगा। आदिवासी विस्तार का विरोध कर रहे हैं। माइनिंग के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध हो रहा है। हाथियों को बचाने के लिए 96 दिनों से धरना दे रहे हैं ग्रामीण। सरकारी अनुमान के मुताबिक 85,000 पेड़ काटे जाएंगे। पर्यावरणविद के मुताबिक 2 से 4.5 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। इसी की वजह से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस जंगल से हमें शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मिल रहा है, तो इस जंगल को कैसे उजड़ने दें? यहाँ हमारे जंगल का पेड़ को काट रहे हैं, इसीलिए हम रोकने आए हैं यहाँ पे। तो किस तरह से यहाँ कटाई किया गया है, अभी किस तरह से किया जा रहा है, सुबह से क्या सुबह से लोग इतना काटे हैं कि 235 पेड़ को काट दिए हैं, और काटने वाले थे तो हम लोग यहाँ आ गए और हम लोग बोले कि पेड़ काटने से पहले आप लोग हमको काटिए, इसके बाद हमारे पेड़ को काटिएगा, ऐसे करके। और हमारे जितने साथी लोग थे उतना सब लोग आ गए, तो डर से उन लोग अभी भाग गए हैं। हमारे हसदेव जंगल उजड़ जाने से कितना पीड़ा है ये हम समझते हैं, ये हमारे ऊपर है वो पीड़ा ना, तो हम समझते हैं। जो कहते हैं परसा वाले उखड़े हैं तो उसको बासन में दिए हैं बसावट, आज जा करके देखे वहाँ पे कि कितना जने हैं वहाँ पे और कितना जने नहीं है। ये जंगल में हमको शुद्ध हवा मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, तो कैसे उजड़ने दें हम अपने हसदेव जंगल को। वहीं स्थानीय लोगों के समर्थन में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी टीएस सिंहदेव का समर्थन किया और कहा कि अगर बाबा साहब नहीं चाहते तो फिर एक डाल भी नहीं काटी जाएगी। जो गांव वाले यहां उपस्थित हैं, ये सहमत नहीं है कि यहां जंगलों की कटाई बढ़ा के खदान के क्षेत्र को बढ़ाया जाए। कई परिवार हैं, इसका तो ऐसे सर्वेक्षण और करना पड़ेगा, जिनके पास इनका कहना है कि हम 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वन अधिकार पत्र अभी तक इनका नहीं बनाया गया। दूसरा, कोयला खदान को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है, इस आंदोलन में राहुल गांधी जी ने अमेरिका इंग्लैंड से भी, कैम्ब्रिज में जब वो वहां के विद्यार्थियों से आदान प्रदान विचारों का कर रहे थे, वहां भी उन्होंने जब इस बात को कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति इन आंदोलनरत ग्रामवासियों के साथ है। हमारे बाबा साहब का भी बयान आया, पहली गोली लगेगी मुझे लगेगी, गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उनके चल जाएगी जो चलाने वाला है उस पर। यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते जब तक इसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या डंगाल नहीं कटेगी। बीजेपी भी हसदेव अरण्य के मामले में राज्य सरकार को घेरने में लगी है। बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हसदेव में 8 लाख पेड़ कटेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है या कोयला, पेड़ कटेंगे तो तापमान और बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव अपने पद से इस्तीफा देकर मैदान में आकर लड़े। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है, या तो टीएस सिंहदेव जी इस्तीफा देकर मैदान में आकर लड़े, अगर सरकार के निर्णय के विरोध में वो काम कर रहे हैं तो भूपेश बघेल जी उनको मंत्रिमंडल से निकाले, अगर उनमें हिम्मत है तो, और जंगलों को बचाने के लिए, वनवासियों को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलनरत वनवासी आदिवासी प्रभावित लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दरअसल केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार क्लियरेंस देती है, उसके बाद ही खदान का काम किसी कंपनी को सौंपा जाता है, लेकिन राज्य में दोनों पार्टियां अपनी अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। भले ही पेड़ों की कटाई पर सियासत हो रही हो, लेकिन हकीकत सब जानते हैं कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचेगा। पर्यावरण के साथ वन्य जीवों पर भी खतरा साफ दिखाई दे रहा है। हाथियों के साथ ही बड़ी तादाद में वनस्पतियों, जीव जंतुओं के साथ कई हजार आदिवासियों का घर भी उजड़ जाएगा। ऐसे में सियासत के बजाय इसका कोई ठोस समाधान निकाला जाना चाहिए।
रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परीक्षा आपसे करा दें, नितिन भंसाली जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी आ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। आलोक शुक्ला जी छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के सदस्य हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत नितिन भंसाली जी आप ही से, ये कोई धर्म संकट आ गया है सरकार के सामने, क्योंकि पेड़ भी काटे जा रहे हैं और खदान भी का भी विस्तार हो गया है, अनुमति आप लोगों की सरकार ने भी दी है, कैसे समस्या का समाधान होगा? राज्य सरकार के लिए आदिवासियों और वनवासियों का हित सर्वोपरि। हमने आप जैसे कह रही है कि हमने क्लियरेंस दिया, ये किया, तो मैं थोड़ा सा डिटेल ले जाऊंगा इसमें। मैं आपको बता दूं वंदना जी, कुछ बहुत देर तक मैं करीबन अभी 13 घंटे पूरा आज से वनजीवियों को मैंने स्टडी किया है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। मैं बताऊं आपको, 24 अगस्त 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने 214 कोल ब्लॉक आवंटन को निरस्त कर, उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अक्टूबर 2014 में अध्यादेश लाकर पहली बार कमर्शियल माइनिंग की अनुमति दी, ये नियम बनाया। मैं आपको बता दूं कोल माइनिंग के विषय में आवेदन से लेकर आवंटन तक, आवंटन से लेकर किसी माइंस को निरस्त करने तक का सारा अधिकार और सारे नियम केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार सिर्फ शर्तों का, नियमों का अनुपालन करती है। मैं आपको बता दूं 2010-11 में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय जयराम रमेश जी ने इस क्षेत्र को और इसके अलावा हसदेव अरण्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दो और देश के कुल 7 क्षेत्रों को नो गो एरिया घोषित किया था। नो गो एरिया का मतलब होता है कि 10 किलोमीटर के उस क्षेत्र के 10 किलोमीटर के अंदर में कोई भी खनन की अनुमति नहीं दी जाती। इस पर भी केंद्र की मोदी सरकार ने ये गो नो का जो नियम लागू किया गया था यूपीए सरकार के समय वर्ष 2010-11 में, उसको भी निरस्त कर दिया। इतना चिल्ला चिल्ली कर रहे ये उल्टा चोर कोतवाल कोटाटे वाली बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की साबित हो रही है। इतना ही इन्हें हसदेव के आदिवासियों की और वहां के वनवासियों की चिंता है, तो जो हल्ला यहाँ कर रहे हैं वो हल्ला जाके केंद्र के मोदी जी के दरबार में जाकर करें। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी, सब कुछ राजीव जी, देखिए नितिन जी का साफ ये कहना है कि केंद्र सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं, ऐसे निर्देश दे दिए हैं कि राज्य सरकार की मजबूरी बन गई है, उनके हाथ बांध दिए केंद्र सरकार ने। देखिए सब बात है, जो असली में दरअसल कांग्रेस सियासी रूप से वंदना जी भेज चुकी है, 2015 में राहुल गांधी जी वहां जाते हैं और अरण्य के हसदेव जंगल के प्रभावित किसानों को कहते हैं, वहाँ जो आदिवासी वन बंधु है उनको वो कहते हैं कि जंगल नहीं कटेगा। भूपेश बघेल जी ने 2016 में ट्वीट किया था कि राजस्थान के कोल ब्लॉक को यहाँ क्यों दिया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, हम 1 इंच भी जंगल की भूमि को कटने नहीं देंगे। 2022 में स्टैंड देखिए, दूसरा स्टैंड है, भूपेश बघेल जी कहते हैं अगर आप एसी में रहते हैं, अगर आप कूलर चलाते हैं तो वन तो कटेगा, आप कैसे विरोध करते हैं, अपनी घर की बिजली बंद कर दीजिए। अलग अलग स्तर पर, अलग अलग बात पर, अलग अलग स्टैंड, अलग अलग बयानबाजी। कांग्रेस पार्टी हसदेव अरण्य के मामले में जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है और राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज में वहां स्टूडेंट के कन्वर्सेशन के दौरान बोलते हैं कि मुझे संज्ञान है अरण्य में क्या हो रहा है, पेड़ कटने नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि बच जाए, तो ये कोशिश करूंगा, देखूंगा, पहले अलग स्टैंड, आज अलग स्टैंड, पीछे अलग स्टैंड, कभी उनको ये 2015 में जो आप लोगों ने चिंता नहीं है, क्यों आलोक शुक्ला जी बोल रहे हैं, मित्रों को इन्होंने अलॉट की थी। आलोक जी जी देखिए देखिए निश्चित तौर पे बड़ी अजीब बात है कि दोनों राजनीतिक दल हसदेव को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और दोनों ही हसदेव के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। जो लोगों की बात कही गई, साफ तौर पे लोगों के प्रस्ताव में जब 2012 में पलसई स्थित प्रतिवादन को स्वीकृति दी गई थी, उसी के अंदर ये कंडीशन लिखा गया था कि इसके अलावा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार खनन के लिए नहीं भेजेगी। क्यों प्रस्ताव भेजा गया, एक पहला सवाल, की पलसा कोल ब्लॉक का प्रस्ताव नहीं जाना था।
बीजेपी जो बैठी हुई है, आप देखेंगे कि जितने भी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है 2018 के पहले रमन सरकार के दरमियान, तमाम प्रावधानों के जो फर्जी ग्राम सभा से लेकर जो बंद स्वीकृति हासिल करने की प्रक्रियाएं उसी दरमियान शुरू हुई हैं, जिनको बेतरमी के साथ आगे वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया हुआ है। तो दोनों दल जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि हसदेव को बचाने को लेकर न कांग्रेस ने कार्य किया है न बीजेपी ने कार्य किया है, दोनों ही अपनी भूमिकाओं से पीछे हट रहे हैं। और दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि हसदेव जैसा पर्यावरणीय संवेदनशील, जिसके विनाश से पूरे छत्तीसगढ़ का प्रभाव होगा, जो हसदेव नदी को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा, मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा, पूरे मानसून पे संकट होगा, इन चिंताओं को दरकिनार करके खनन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा और उन ग्राम सभाओं को दरकिनार किया जा रहा है जो आदिवासी वहां विरोध कर रहे हैं पिछले एक दशक से, उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रक्रिया आप देखेंगे कि लगातार 2014 से लेकर 2022 तक सतत जारी है। गैर कानूनी कार्य केंद्र की सरकार भी कर रही है और राज्य की भी सरकार कर रही। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों से लगातार भूमिका आ रहे हैं, आप कह रहे हैं राज्य सरकार कह रही की केंद्र की जिम्मेदारी, केंद्र कह रही राज्य की जिम्मेदारी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि संघीय ढांचे में दोनों के अधिकार सुरक्षित है। राज्य सरकार चाहेगी तो एक इंच जमीन जो है खनन में नहीं जा सकती, केंद्र सरकार चाहेगी तो कोई भी खनन परियोजना चालू नहीं हो सकती। सवाल यह है कि केंद्र और राज्य अपने क्षेत्र अधिकार में है, उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये ना कहिए आप जो है सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, दोनों अडानी को बचाने का कार्य करना चाहिए, गंभीर समस्या है। देखिए 20 जून 2020 को छत्तीसगढ़ के वन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी ने भी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिखकर हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी। इसके पीछे ये भी बात थी कि 1995 वर्ग किलोमीटर में लेबरू प्रोजेक्ट हाथी रिजर्व एरिया, एलिफेंट रिजर्व एरिया भी छत्तीसगढ़ राज्य ने घोषित किया हुआ है। हमारा पहला ही मैंने आपको कहा कि आदिवासियों और वनवासियों का हित जो है वो राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। हाँ, ये जरूर कहा गया था कि खनन होगा, लेकिन ये 8,000 पेड़ कटने की बात थी जिसको की भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख नहीं, मुझे तो लगता है 80 लाख पेड़ कटेंगे ऐसा प्रोपोगंडा भी चलाया। बिजली भी जरूरी है, बिजली के लिए कोयले की आवश्यकता है, तो इन आवश्यकताओं को देखते हुए कहीं निर्णय लेने की स्थिति नहीं थी। लेकिन पेड़ नहीं कटेगा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि टीएससी देव ने कह दिया तो एक डाल भी नहीं काटेंगे, तो बीच का रास्ता क्या होगा नितिन जी? वंदना, मैं वही बोल रहा हूँ, बीच का रास्ता साफ है। क्या हस्ते वरण्य क्षेत्र की जनता को हिंदी खबर की डिबेट के माध्यम से मैं पूर्ण रूप से आश्वासित करता हूँ, वो बेफिक्र रहे, चिंता मुक्त रहे। राज्य सरकार उन आदिवासियों और वनवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के जो वरिष्ठ मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जी जो है उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र के विधायक हैं और बहुत वरिष्ठ है, यदि वो कह रहे हैं तो पेड़ तो क्या उस क्षेत्र में किसी पेड़ की डंगा तक नहीं कटेगी। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहा है तब तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। आलोक शुक्ला जी, जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है तो आप लोग भरोसा करेंगे ये धरना खत्म होगा? देखिए सवाल यही है, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया है कि हम खनन की सहमति दिए जाने के विरोध में है, आंदोलन जायज है, हसदेव की जनता लगातार सड़कों पर है, रायपुर आ चुकी है, पिछले 100 दिन से आंदोलन जारी है, तो ये बयान देना कि दयाल नहीं कटेगी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों सरकार आदेश लेकर सामने आती कि हसदेव की जनता की आवाज को सुनते हुए, वहाँ के विधायक की आवाज को सुनते हुए और राहुल गांधी की आवाज को सुनते हुए हसदेव की खनन परियोजना को निरस्त किया जाता है, अंतिम बंद स्वीकृति हम वापस लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हसदेव की जनता अब कहीं ना कहीं उस निर्णय को सुनना चाहती है, जब आप निर्णय लें लगातार वो दुखद है। वंदना, ये निरस्त करना केंद्र सरकार का काम है, हमने कह दिया पेड़ नहीं कटेंगे, पेड़ तो क्या डाली भी नहीं कटेगी, अंतिम बंद स्वीकृति को राज्य सरकार को वापस ले लेना चाहिए, वो उनके क्षेत्र अधिकार में है, मुझे लगता है कि सबसे आसान रास्ता है। जो प्रक्रिया राज्य सरकार की होगी उसका बिल्कुल सबसे पालन किया जाएगा, राज्य शासन के पास शक्ति है। राजीव चक्रवर्ती जी, देखिए कांग्रेस सरकार तो स्पष्ट कर रही है कि हम एक डाल भी नहीं काटेंगे,
अब केंद्र सरकार को इसका जिम्मा लेना पड़ेगा। जी 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 नहीं नहीं वंदना जी, देखिए राज्य की सरकार जनता और आदिवासी बंधुओं के साथ, प्रकृति प्रेमी शुक्ला जी जैसे लोगों के साथ छल कर रही है और एक खद्म युद्ध कर रही है। इधर बाबा जी कह रहे हैं कि मैं पेड़ काटने नहीं दूंगा, भूपेश बघेल जी कहते हैं कि केवल 8,000 पेड़ काटेंगे। अब 8,000 के आड़ में 80,000 पेड़ काटे, 4,00,000 पेड़ काटे, गवर्नमेंट खुल रही है या तिलमिलाहट दिखाती है कि आप लोग झूठे हैं, दिखाती है इसमें भी झूठ बोल रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है राजीव जी, राजीव जी आप इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं ना राजीव जी, तो चिट्ठी लिखेंगे केंद्र सरकार को? राजीव चक्रवर्ती जी आप लोग केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इस आदेश को वापस लिया जाए? नितिन जी राजीव जी मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं और बता दूं वंदना जी कि अभी राज्य सरकार के पास एक असीमित शक्ति है और वो शक्ति है पट्टे को निरस्त कर देना। बालकों के मामले में अजीत जोगी जी ने अजीत कुमार बैजल जी को कहा था कि अगर आप बालकों का जबरदस्ती अधिग्रहण करेंगे तो मैं पट्टा निरस्त कर दूंगा। ये 1890 का भू अधिनियम, राज्य शासन के पास वो शक्ति है कि वो कोई भी परियोजना का पट्टा निरस्त कर सकती है। और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि जंगल नहीं कटेगा, 2015 में बघेल जी कहते नहीं कटेगा, 2022 में बाबा जी कहते नहीं कटेगा, तो ये जो अंतर विरोध चल रहे हैं तो ये क्या हम समझे कि ये मैच फिक्सिंग है कांग्रेस पार्टी की? कि एक जन कहता कटेगा, एक जन कहता नहीं कटेगा, फिर वो कहते हैं हमें चिंता है, तो स्पष्ट कुछ स्पष्ट होती है। यही रहा है कि जैसे आपने शराबबंदी के मामले पे ठगा जनता को झूठ बोला, कमेटी बनाई, आलोक शुक्ला जी जबरदस्त कर रहे हैं आलोक शुक्ला जी। देखिए निश्चित तौर पे बड़े दुखद के रूप में कहना पड़ेगा कि हमारे जो विपक्ष है छत्तीसगढ़ के अंदर, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर कह रहा है और मुझे ये कहना पड़ेगा कि 5 तारीख को बीजेपी के लोग हस्ते जाते हैं और एक गांव में गए लेकिन धरने स्थल पे जहां लोग बैठे रहे वहां नहीं गए। सवाल ये है कि बीजेपी से भी मेरा ये आग्रह है कि देखिए आज हस्तियों के लोग जो भुगत रहे हैं वो पिछले 15 सालों में जो करके गए उसकी परिस्थिति है। आज यदि बीजेपी के हृदय यहाँ पे यदि आप हस्तियों के साथ में हैं, क्यों अभी तक आपने चिट्ठी जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को नहीं लिखी? क्यों पीएमओ को आपने चिट्ठी नहीं लिखी कि हस्तियों की भावनाओं का सम्मान करके हुए खनन को निरस्त किया जाना चाहिए? सवाल ये है कि जब आप विपक्ष में, जब आप जनता के साथ होंगे, सत्ता में जाएंगे तब वही करेंगे। आपकी भी तो ये जवाबदेही है, केंद्र में बीजेपी की सत्ता बैठी है, कांग्रेस अपनी भूमिका निभाए, भाजपा अपनी भूमिका निभाए। मुझे लगता है कि आज हस्तियों को बचाने के लिए कांग्रेस वालों को भूमिका निभानी है। ठीक है सर राजीव जी। जी बिल्कुल, आज जो शुक्ला जी कह रहे थे तो मैं शुक्ला जी के वास्ते बिल्कुल वाकिफ हूँ। हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया हुआ था लेकिन अभी फिलहाल आज के समय में ब्रजमोहन अग्रवाल जी, रामविचार नेताम जी और विकास मरकाम जी, हमारे केदार कश्यप जी, हमारी टीम गई हुई है और आंदोलन करने वाले आदिवासी बंधुओं से मिले हैं और हमारा सीधा सीधा, हम कांग्रेस की तरह दो बातें नहीं करते कि एक कहता कटेगा एक कहता नहीं कटेगा। हमने इस आंदोलन का अपना समर्थन दिया है और हमारा बिल्कुल स्टैंड है कि हम हस्ते और जंगल के साथ है, आदिवासी बंधुओं के साथ है और केंद्र सरकार को भी हमने विनती की है कि जो आपने पत्ता आपने जो जारी किया है उस पत्ते को निरस्त किया जाए। और देखिए सबसे बड़ा देने तो अभी राज्य शासन के पालन है, राज्य शासन राजीव चक्रवर्ती करा दीजिए ना आप लोग, राजीव जी चिट्ठी सार्वजनिक करा दीजिए, सबको पता चल जाएगा आप लोगों ने काम किया है। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए आज तो आंदोलन करने पहुंचे ही हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो खबर खेल खेल रही है, आलोक शुक्ला जी कह रहे हैं गांव में देखिए आंदोलनकारियों से मिले नहीं, आप कह रहे हैं चिट्ठी लिखी कि क्या लिखा है बता देना आप, तो अपने आप राज्य शासन को देखिए। ये असली में अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी आए थे और उन्होंने कहा कि हमें तत्काल कोयले की आवश्यकता है और भूपेश बघेल जी ने भी उन्हें बताया कि हम बिल्कुल कोयला देंगे,
परसा कोयला ब्लॉक का भी कोयला देंगे, हसदेव का भी कोयला देंगे, तो ये कमिटमेंट कोयले का है। यहाँ प्रकृति को तार तार कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जो नियम बनाया सुप्रीम कोर्ट के नियम को हटाया, अध्यादेश लाया, इन्होंने तो तारीखें बताई, आप तो यही नहीं बता पा रहे कि किस नेता ने आपके चिट्ठी लिखी और कब लिखी भाई, कि इनकी जो आवंटन है ये निरस्त किए जाए। चिट्ठी सार्वजनिक कर दो, मैं हार मान लूंगा। बस राजीव जी देखिए, बिल्कुल हमारे पूरे 9 सांसद गए हैं कोयला मंत्री, अभी जो सत्र चल रहा था कोयला मंत्री साहब ने आग्रह किया है। और अभी देखिए बात तो राज्य, आप समझिए शुक्ला जी, ये बात तो अभी राज्य सरकार के पाले में है, गेंद राज्य सरकार के पाले में है। राज्य सरकार चाहे तो एक मिनट में पत्तों को निरस्त कर जंगल को कटने से बचा सकती है। आवंटन से लेकर आवंटन और निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मैं पूरी बात कह रहा हूँ कि दोनों के क्षेत्र अधिकार हैं, दोनों के क्षेत्र अधिकार हैं। कोई पहल देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता की भावना है हस्तियों को बचना चाहिए, और वो भावनाएं राज्य सरकार और केंद्र के दोनों तरफ है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि दोनों सरकारें चाहे तो हस्तियों बचा सकती हैं, निर्णय लेके। मैं तो कह रहा हूँ कि ये वो वक्त है जब बीजेपी बताए कि वो जनता के साथ है, कांग्रेस बताए वो जनता के साथ है, या अडानी के साथ कौन है, निर्णय लीजिए। कांग्रेस या तो राज्य कैंसिल करे या केंद्र करे, मुझे लगता है ये वक्त है दोनों राजनीतिक दलों को ये बताने का कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं। नितिन जी ये वक्त है बताने का। आलोक शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि हमारे साथ है कौन आंदोलन में, तो सब शरीक हो रहे। आंदोलन में कांग्रेस, कांग्रेस खड़ी है। हमने कहा हमें आदिवासियों की, वहां की स्थानीय वनवासियों की चिंता है। ये भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है, जिन्होंने 15 साल जल जंगल और जमीन का विस्तृत रूप से इस प्रदेश में दोहन किया। आज हाथी जंगलों से बाहर निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे? कांग्रेस ने रेडियो फूड रिक्वायरमेंट जो होती है, जल जंगल जमीन कांग्रेस पार्टी ने देखा, खाने की पार्टी ने ही देखा, पूरे घर जैसी फीलिंग नहीं हो रही है, इसलिए वो जंगलों से निकल शहरों तक आ रहे हैं। हसदेव की जनता, हसदेव का आदिवासी, हसदेव और हत्या के हमारे वनवासी बिल्कुल चिंता न करे, राज्य सरकार उनके साथ। राजीव चक्रवर्ती जी, बड़ा भाई बनकर क्यों नहीं सरकार, केंद्र सरकार आगे आती है अगर राज्य सरकार आप कह रहे हैं कि नहीं चाहती कि ऐसा हो, हालांकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि वो विरोध करेंगे इस चीज का। देखिए मुख्यमंत्री जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी की अपनी मंशा स्पष्ट नहीं है। वो राजस्थान सरकार को कहते हैं कि हम कोयला देंगे, हसदेव का ही कोयला देंगे। 2015 में उनका स्टैंड अलग था, परसों उन्होंने जनता को धमका कर कहा कि एससी और कूलर चाहते हो तो जंगल कटेगा, कोयले का दोहन होगा। तो पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की कलई खुल चुकी है जनता के सामने, और कांग्रेस पार्टी चाहे तो अभी पत्ते को निरस्त कर दे, जो उनके पास असीमित शक्ति है, जो संघीय शक्ति है। राज्य सरकार चोरी बात कोयला खनन की खत्म हो जाएगी, तो राज्य शासन केंद्र के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता जो लोगों एरिया 2010-11 में घोषित किया था, भाजपा भाजपा के प्रवक्ता को पूछिए, घोषित करते थे भाई, लेकिन ये स्टैंड है 2015 में अलग स्टैंड, आज अलग स्टैंड। तो भैया आप अपनी बात स्पष्ट बताइए कि जंगल कटेगा या नहीं कटेगा। राजीव चक्रवर्ती जी सर्वोच्च न्यायालय, राजीव चक्रवर्ती जी आप लोग अपना स्टैंड भी क्लियर करिए ना, कैसे आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार है उससे कैसे कहेंगे कि आदेश को वापस ले। नहीं नहीं देखिए, हम तो आज जनता के पास गए थे, हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के पास हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, और बिल्कुल हम जंगल के कटने के खिलाफ है, और हमने केंद्रीय मंत्रियों को भी कहा है कि इस पर पुनर्विचार की जाए। तो हमारा स्टैंड क्लियर हो गया, हम हसदेव अराणे को बचाना चाहते हैं, और कभी हमने ट्वीट किया था राहुल गांधी जी ने 2015 में ट्वीट किया था, भूपेश बघेल ने 2015 में ट्वीट किया था, बघेल जी का ट्वीट सबके पास है, सोशल मीडिया में घूम रहा है कि मैं हसदेव को कटने नहीं दूंगा, आज वो कहते हैं कटेगा, तो ये कैसी बात है भाई। ये तो कांग्रेस की बात है ना, कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए कि राजस्थान को 4 कोल ब्लॉक दिए जाएंगे, और वो कोयले की आपूर्ति राजस्थान सरकार को होगी। नितिन मानसाले जी अभी आपके बारे में गेंद फेंक रहे हैं, आदिवासी क्या करें?
आदिवासियों के साथ हम खड़े हैं, वो क्या करें, बहुत जल्द आंदोलन समाप्त होगा, आदिवासी जो चाह रहे हैं वही होगा। ये इनका प्रतिनिधि मंडल का जो आदिवासी उनको बोलिए ना भैया ये प्रपोजल हमने भेजा था, हम चाहते थे ये आपका जंगल कटे, जाके बताओ ना यार हमको अभी इतनी मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा कौन है, प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि पेड़ को छोड़ो टंगाल नहीं कटेगी, इससे ज्यादा श्योरिटी क्या दे सकते भाई। तो मैं कह रहा हूँ हस्तेव के आदिवासी आरोप जी किसकी बात पर एक्शन कर पा रहे हैं आप, दोनों को सुन रहे आप लगातार होता है। ये बड़ी दुखद स्थिति है कि लगातार आदिवासियों के साथ खड़े होने की बात की जा रही है लेकिन ठोस कार्रवाई कोई नहीं करना चाह रहा है। हम पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं, चाहे वो केंद्र की बात हो, ना केंद्र के द्वारा कोई पहल हो रही है ना राज्य के द्वारा, लगातार ये कोशिशें जारी हैं कि किस तरीके से हस्दियों में खनन को शुरू करवाया जा सके। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कल आदेश के बाद आज 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की मंशा को तत्काल प्रशासन को अमली जामा पहनाते हुए परसा कोल ब्लॉक की और परसा ईस्ट केतेवासन के द्वितीय चरण की बंद स्वीकृति को निरस्त करना था। मैं यहाँ तक जानकारी दे दूँ कि अभी भी केते एक्सटेंशन उसके बगल का जो कोल ब्लॉक है जिसकी भूमि अधिग्रहण कर 19 जनवरी 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्र लिख के विरोध किया था, उसकी जनसुनवाई 13 तारीख को नियत है, पर्यावरणीय स्वीकृति की जनसुनवाई होने वाली है, उस जनसुनवाई को भी अभी तक स्थगित नहीं किया गया है। तो हस्तियों के लोग कैसे इस बात को समझेंगे कि हमारे साथ सरकार खड़ी हुई है, ना आपने जनसुनवाई निरस्त की है ना पर्सा की बंद स्वीकृति निरस्त, अरे बंद स्वीकृति तो छोड़िए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है सारी चीजें अंडर प्रोसेस है, नियमों से होती है, राज्य सरकार के दायरे में मैंने जैसा कि कहा कि केंद्र सरकार के नियमों का परिपालन करने का ही दायित्व है, राज्य सरकार के पास जो अधिकार होंगे या परिपालन के संबंध शर्तों में जो चीजें होंगी वो करेंगे। अब बसता है इसको निरस्त करने का जो काम है वो केंद्र सरकार का, जैसे कि मैंने कहा आवेदन से लेकर अलॉटमेंट से लेकर इसको निरस्त किए जाने के सारे अधिकार जो है वो कानूनी रूप से केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार से निरस्त करते। और 2011 में यूपीए सरकार ने एरिया जो जारी किया था, जो लागू किया था वो वापस कर देते हैं। जो आंदोलनकारी है वो बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो घने जंगलों की कटाई का काम शुरू हो गया है, हस्देव के जंगलों में कटाई और इसी फैसले पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कैसे इसका कोई समाधान निकाला जाएगा, आंदोलनकारियों की मांगों को सुना जाएगा, क्योंकि पर्यावरण को भी पेड़ों की कटाई से नुकसान होगा, जो जीव जंतु है उनको भी नुकसान होगा, साथ ही साथ जो आदिवासी वहां पर रहते हैं उनको भी उनके जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। और यही वजह है कि लगातार 97 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है, कैसे प्रदर्शन थमेगा, केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करेगी या सरकार को कदम उठाएगी, यही देखना होगा। नमस्कार।